दस्तरखान रेसिपी हब में आपका स्वागत है। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे मीट बर्गर। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून मेयोनीज ली है, 1 टीस्पून पेपरिका ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ओरेगानो, 3 टेबलस्पून ग्रीन चिली और हरे धनिया की चटनी ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। मिक्स कर लिया है, इसे साइड पर रख देंगे। एक बॉल लेंगे, उसमें हम मीट का कीमा ऐड करेंगे। इसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और यहाँ पर मैंने मटन का कीमा 500 ग्राम लिया है। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून चॉप्ड ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के करीब हम मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। सभी मसालों को हम मीट में अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसे। पैन हमारा गर्म है, 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। अब हम कीमे की पेटी रेडी करेंगे। इस तरह इसे हाथ से गोल शेप में हम पेटी बनाएंगे। इसे हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। फ्लेम ज्यादा हाई ना रखें, इसे लो फ्लेम पर ही कुक करना है। टर्न करेंगे इसे। पेटी को हमें दोनों साइड से गोल्डन और ब्राउन होने तक कुक करना है। टर्न करेंगे इसे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आया है। इसी तरह इसे दूसरी साइड से भी हम ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तो लीजिए, पेटी हमारी रेडी है। अब इस पर हम चीज की स्लाइस रखेंगे और इसे कवर कर देंगे चीज को मेल्ट होने तक। तब तक हम दूसरी प्रोसेस शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बन को रोस्ट कर लिया था और इस पर हम मेयोनीज लगाएंगे। दोनों साइड हमें मेयोनीज लगानी है। केबेज रखेंगे, जो हमने पेटी रेडी की है उसे रखेंगे। चीज बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। प्याज की स्लाइस रखेंगे, टमाटर की स्लाइस रखेंगे और दूसरे पैन से इसे कवर करेंगे। तो लीजिए, रेडी है हमारा मीट बर्गर। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।